नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, गांवों में खुशहाली और खेतों में लहलहाती फसलों के लिए आप सभी किसान भाई बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु किसान भाइयों, इस कड़ी मेहनत का पूरा पूरा फल प्राप्त करने के लिए आपको आज की नवीनतम तकनीकों के साथ साथ कृषि जगत में होने वाली सभी जानकारियों से अवगत रहना होगा। इसके लिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन आपको बहुत सहायता प्रदान करता आ रहा है। आज के इस कार्यक्रम में भी हम एक नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, तो आइए देखते हैं क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के खाद समाचारों पर। गेहूं का समर्थन मूल्य 1525 रुपए प्रति क्विंटल घोषित। सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीक, जायद में करेले की खेती, पशु आहार को फफूंद से बचाएं, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। शासन द्वारा इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 1525 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य 14 मई तक जारी रहेगा। किसानों को उपार्जित गेहूं की राशि उनके बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। उपार्जन केंद्रों पर रविवार को अवकाश रहेगा। उपार्जन केंद्रों पर किसानों के द्वारा कराई गई ई पंजीयन की कंप्यूटर प्रिंटेड रसीद साथ लानी होगी। प्रत्येक उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए बैठने के छायादार स्थल, पीने के लिए साफ पानी, शौचालय की व्यवस्था, फर्स्ट एंड बॉक्स, छन्ना, तिरपाल एवं शेष गुणवत्ता नियंत्रण हेतु तकनीकी उपकरण, आवश्यकता अनुसार सिलाई मशीन, उपार्जन संबंधी बैनर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सब्जियों के अधिक उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करना आवश्यक है। सब्जी उत्पादक को ये भी देखना होगा कि जहां सब्जी बेचनी है वहां किस किस्म का भाव अच्छा मिलता है। किस्म का चुनाव करते समय फसल चक्र को भी ध्यान में रखना चाहिए। सब्जी उत्पादक किसान मिट्टी व खरपतवार द्वारा फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए उचित फसल चक्र अपनाएं। अगर खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी दवाइयों का इस्तेमाल करना हो तो सही प्रकार की दवा का सही मात्रा में सही समय पर प्रयोग करें। छिड़काव के समय जमीन में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। सब्जी उत्पादन में जल प्रबंध एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये ध्यान रहे कि पौधों के जीवन काल में अलग अलग व्यवस्थाओं में पानी को अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। पानी की कमी व अधिकता सब्जियों की बढ़ोतरी या उपज पर प्रभाव डालती है। रोपाई के समय ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध की ही रोपाई करें। अगर कमजोर हो तो उसको खेत में लगाने में भी अधिक समय लगता है तथा बढ़वार भी कम होती है। पौध की उम्र का भी उपज पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। रोपाई के बाद पौध को चारों ओर भूमि को खुरपे से अच्छी तरह दबाएं ताकि पानी आने पर पौध ना गिरे। गर्मी के मौसम में तो रोपाई शाम के समय ही करें। रोपाई के तुरंत बाद ही पानी लगाना बहुत जरूरी है। यदि आप इस समय करेले की खेती करना चाहते हैं तो करेले की बुआई का यह उचित समय है। करेले की एक हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई के लिए 5 से 7 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। एक ही स्थान पर 2 से 3 बीज 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए व बुआई से पूर्व बीज को 24 घंटे पानी में भिगो लेना चाहिए, जिससे अंकुरण अच्छा होता है। करेले की उन्नत किस्मों में काशी, हरित, कल्याणपुर, सोना, पूसा 2, मौसमी, बारहमासी, काशी, उर्वशी आदि प्रजातियां मुख्य है। पशु आहार को भंडारण अगर सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से ना किया जाए तो आहार फफूंदग्रस्त हो जाता है। इन फफूंदों से विषैले पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं जो मनुष्य और पशु दोनों के लिए खतरनाक होते हैं। इन विषैले पदार्थों के सेवन से पशुओं के बढ़वार में कमी आती है, भूख कम लगती है, जनन क्षमता प्रभावित होती है, साथ ही टीकाकरण का प्रभाव कम होने लगता है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए पशुपालक पशु आहारों का भंडारण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भंडारण स्थल पर नमी ना हो, साथ ही भंडारण पात्र भी साफ सुथरा एवं व्यवस्थित सूखा हो, जिससे कि पशु आहार में किसी प्रकार का संक्रमण ना फैल सके। बेहतर जल प्रबंधन के लिए बूंद बूंद या टपक सिंचाई, जिसे ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं, एक अच्छा साधन है। टपक सिंचाई विधि उद्यानिकी, फलदार फसलों और सब्जियों की फसल में बड़ी ही कारगर सिद्ध हुई है। इस विधि से पौधों को अनेक तापमान, उम्र, मदा के प्रकार, जलवायु के अनुसार बूंद बूंद कर उनके पौधों की जड़ों के पास जल उपलब्ध कराया जाता है। इस विधि को अपनाने से 50 से 60% तक पानी की बचत होती है। साथ ही बड़े क्षेत्र की सिंचाई एक ही समय में एक समान तरीके से की जा सकती है। इसके लिए फसल या बाग के प्रारूप के अनुसार 2 फीट गहरी नाली खोदी जाती है। इन नालियों में निर्धारित मोटाई की PVC पाइप बिछाई जाती है। पंप घर या नलकूप से जुड़ी मुख्य पाइप को नाली में बिछाकर अन्य सहायक पाइपों से जोड़ा दिया जाता है। फिर फसलों या पेड़ों की पंक्तियों के अनुसार इन्हें बिछा दिया जाता है और पंप के माध्यम से पानी फिल्टरों से होता हुआ पाइप द्वारा मुख्य पाइप से सहायक पाइप और सहायक पाइप से जुड़े पाइपों द्वारा पौधों की जड़ों पर जाकर
बूंद बूंद के रूप में प्रभावित होता है। इसमें ड्रिप यानी बूंदों की संख्या का निर्धारण पौधे की पानी की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में अनाज के भाव इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। इंदौर मंडी में गेहूं का न्यूनतम भाव 1300 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1890 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जबलपुर में न्यूनतम भाव 1371 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 1482 रुपए प्रति क्विंटल रहा। रीवा में गेहूं का भाव 1400 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम और अधिकतम 1460 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सिंगरौली में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1525 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1600 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों का भाव विभिन्न मंडियों में इस प्रकार रहा। बैतूल में न्यूनतम भाव 3141 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 3242 रुपए प्रति क्विंटल। इछावर मंडी में सरसों का न्यूनतम भाव 3101 रुपए प्रति क्विंटल रहा और अधिकतम भाव रहा 3511 रुपए प्रति क्विंटल। रीवा में 3281 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव रहा और अधिकतम भाव रहा 3485 रुपए प्रति क्विंटल। श्योपुर कला में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3845 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन का भाव विभिन्न मंडियों में इस प्रकार रहा। बीकन गांव में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 3440 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3871 रुपए प्रति क्विंटल। इंदौर मंडी में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2900 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3900 रुपए प्रति क्विंटल। रीवा मंडी में न्यूनतम भाव सोयाबीन का रहा 3241 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3650 रुपए प्रति क्विंटल। राजगढ़ मंडी में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 3620 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3865 रुपए प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, आम जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय फल तो है ही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में आम की कई प्रकार की किस्में भी उत्पादित की जाती हैं। परंतु किसान भाइयों, आम के फल में यदि बोरों की अच्छी तरीके से देखभाल नहीं की जाए तो फल उतनी ही कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आम के बोरों की देखभाल के बारे में हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर MS परिहार जी से, जो कि ईट खेड़ी बेरसिया से हमारे साथ प्रस्तुत हैं। विशेष रूप से नए फल वृक्ष लगाने के लिए, नए आम के पौधे लगाने के लिए 4% स्लोप वाली भूमि का चयन करना चाहिए, जिसकी उर्वरा शक्ति
ठीक हो, जिसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था हो, इस तरीके की भूमि को चुनाव करना चाहिए। और सबसे पहले वहाँ बाड़ लगाने की, बागड़ लगाने की, लाइव हेज जो होती है उसको चारों तरफ से इस तरीके से मतलब जो है वो करौंदा, सीकाकाई, सीताफल, बेर लगा के और उसको लाइव हेज बनाया जा सकता है, जिससे कि जानवरों से नुकसान नहीं हो। तदोपरांत ऐसी भूमि में मतलब जो है वो अभी शुरू से वायु अवरोधक, वायु अवरोधक का मुख्य मतलब ये है कि जो हवा को रोकने वाले बड़े वृक्ष जो है वो लगा देना चाहिए। और फिर उसके बाद चयन करके जो है वो ख़ास तौर से अभी हाई डेंसिटी आर्चर्ड का ज़माना है, पर मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में हाई डेंसिटी आर्चर्ड कम से कम ढाई मीटर बाई ढाई मीटर का जो कहना चाहिए पौधों से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी है, इससे कम दूरी पे पौधे नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि यहाँ गमोसिस और लाइबैक आती है। तदुपरांत आप जो है वो जो नवीन पौधे लगाएं उन पौधों को विशेष रूप से सहारा देने के लिए इस तरीके से बांस का जो है वो लगा के और जो अपना कहना चाहिए कि अंग्रेजी के 8 अक्षर के आकार में सुतली को उसमें ढीला बांध देना चाहिए, जिससे कि जो है उसमें किसी प्रकार का तनाव ना हो और वो टूटे ना। फिर उसको शुरू में चूँकि गर्मी पड़ती है और बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं, उससे बचाने के लिए उसको छाया भी कर सकते हैं या उसमें चारों तरफ से खस या उसकी टट्टी बांध के इस तरीके से मतलब जो है उसको गर्म हवा से सुरक्षित कर सकते हैं। और इसमें विशेष रूप से चूँकि गर्मी का मौसम रहेगा तो विशेष रूप से सिंचाई का मुख्य रूप से काली मिट्टी है, काली मिट्टी में 8 से 10 दिन में और हल्की मिट्टी में 3 से 4 दिन में सिंचाई समुचित तरीके से उसमें करते रहना चाहिए। साथ साथ में भूमि में उचित जल निकास बना रहे, इस बात के लिए विशेष रूप से नालियां जो है बना देना चाहिए, जिससे बरसात में जो तेज़ी होती है, बरसात में जो तेज़ी से पानी आता है वो जो है वो पानी निकल जाए। और फिर उसके बाद जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है तो उसकी विधिवत कटाई छटाई के लिए शुरू से ही हमें जो है वो प्रयास करना चाहिए, जिससे कि पौधे का जो आकार है वो पूरी तरह से गोल बने और पौधा चतुर्मुखी चारों तरफ एक से का बढ़े और बड़ा गोल आकार में वो बढ़े, उसमें जो है वो उसका जो ट्रेनिंग प्रूनिंग है, जो कटाई छटाई की व्यवस्था है वो शुरू से ही हमें विधिवत करना चाहिए, जिससे कि पौधा सही रंग रूप आकार ले सके और समुचित तरीके से चारों तरफ जो है वो बढ़ सके। और इसके बाद मतलब जो है वो मुख्य रूप से जीवांश वाली जो है वो खाद पौधे लगाने के करीब करीब 1 महीने बाद उसको जो है वो जब जड़ें उसकी पूरी तरह विकसित हो जाएं तब जीवांश वाली खाद जो है वो हमें देना चाहिए, जिससे उसका पूरी तरीके से पोषण हो सके। और उसके साथ साथ जब आप पानी ज़्यादा देंगे तो उसमें खरपतवार निश्चित रूप से बहुत निकलेंगे, खाद को खरपतवार उपयोग ना कर पाएँ, इसलिए समय पर उसकी निंदाई गुड़ाई भी समुचित तरीके से करते रहना चाहिए, जिससे कि मतलब जो है उस भूमि में जो पोषक तत्व तो हमने डाले हैं वो निश्चित रूप से उस पौधे को पूरी तरह से मिलें और उसका सही तरीके से उसकी वृद्धि हो सके, उसकी बढ़वार हो सके। और अगर आप हाइब्रिड टाइप की जो जातियां हैं, ख़ास तौर से आपका आम्रपाली है, आपका जो है वो अन्य जो मल्लिका है, सुंदरजा है, या और जो दूसरी जातियां हैं, रत्ना है, सिंधु है, इस तरीके की जो जातियां हैं इनमें अंतर्वर्ती मतलब जो है वो फलन नहीं होती है, मतलब एक साल छोड़ के एक साल आम की फलन नहीं होती है और ये हर साल आपको फल देती हैं। और जो पुरानी जो जातियां हैं विशेष रूप से मतलब जो है दशहरी, लंगड़ी, लंगड़ा, फजली, चौंसा जो आपकी जो है वो और अन्य जो जाति हैं, मैं ख़ासतौर से आपकी जो है वो कहना चाहिए कि बॉम्बे येलो, बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ब्लैक और जो है वो और जो अन्य जातियाँ हैं उनमें विशेष रूप से इस बात का मतलब जो है वो ध्यान रखना चाहिए, कलतार करके जो एक रसायन आता है उस कलतार का हम उपयोग करके और अंतर फलन जो होती है, एक वर्ष फल आता है और एक वर्ष फल नहीं आता है, तो उस कलतार का उपयोग करके उसका रासायनिक
जो है वो जो घोल आता है उसको चारों तरफ गड्ढे में सब्बल से छेद करके करके मिट्टी से भर देना चाहिए, जिससे हर साल उससे उत्पादन होगा। और निश्चित रूप से इस तरीके के बगीचे अगर कृषक बंधु बनाएंगे तो भविष्य में आम का काफ़ी अच्छा उत्पादन इस क्षेत्र में लिया जाना संभव है। धन्यवाद। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ, ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, विश्व में महिलाओं की भागीदारी लगभग बराबर ही है, परंतु यदि आर्थिक तंगी की बात की जाए, आर्थिक कार्यों में महिलाओं की हमेशा से ही उपेक्षा की जाती रही है। आज के कार्यक्रम में हम महिलाओं की आय के संबंध में बातचीत करेंगे। ऐसे कई कार्य हैं जो ग्रामीण महिलाएं अपना कर अपने परिवार को भी पाल सकती हैं और आर्थिक आय भी कमा सकती हैं। तो इस विषय पर और बातचीत करते हैं हमारी विशेषज्ञ शीला रघुवंशी जी से, जो कि टीकमगढ़ से आई हैं हमारे साथ आपके समक्ष विस्तृत जानकारी देने। हम कुछ ऐसे पहलुओं पर गौर करेंगे जिसपे कि महिलाएं अपनी कुछ जो है आर्थिक आय बढ़ा सकती हैं। जैसे सबसे पहले, हर महिला जो है किचन में निपुण होती है, उनकी अपनी रसोई घर होती है। तो रसोई के पीछे का जो स्थान है आपका, जो व्यर्थ है, रसोई घर के आपके पीछे का जो स्थान है उसमें आप अपनी पोषक वाटिका लगा सकती हैं। पोषक वाटिका में जो हमारी रोज़ के इस्तेमाल की सब्जियां हैं, जैसे आपका आलू है, टमाटर है, बैंगन है, कद्दू वर्ग की आपकी जो सब्जियां हैं, लौकी, गिलकी, धनिया, आपकी हरी मिर्च है, इन सब का आप जो है आप वहाँ पे उपज ले सकती हैं। क्योंकि आपकी रसोई का जो पानी है, जो व्यर्थ पानी जा रहा है, वहाँ पर आप उसको पानी दे सकती हैं उन सब्जियों में, और पूरा साल भर जो हरी भरी सब्जियाँ आप अपने घर परिवार के पोषण के लिए, तथा अगर आप सूझबूझ से उसका आप उपज करती हैं तो आप उसको जो है बेच सकती हैं, और इस तरीके से आपकी आमदनी आप बढ़ा सकती हैं। दूसरा पहलू इसके अलावा जो है वो है आपका केचुआ खाद, जो आजकल बहुत ही प्रचलन में है। उसका कारण है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास ज़मीन की बहुत कमी है, वो खेती करते हैं या तो अपने घर की छतों पर, बालकनी में, या छोटे छोटे गमलों में, जिसके लिए उन्हें एक बहुत ही अच्छे और बारीक खाद की आवश्यकता होती है। और इस खाद की पूर्ति कर उनको आप कर सकती हैं। बस आपको सिर्फ इस चीज़ की सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके घर का कचरा जो है वो सही तरीके से व्यवस्थित हो, आप वहाँ पे केचुए जो है केचुए खाद का उत्पादन आप कर सकती हैं। स्व सहायता समूह बनाइए, समूह में रहिए, ताकि आप जो है आपकी केचुआ खाद को सही तरीके से पैक करके आप शहरों तक वो पहुँचा सकें। इससे आपकी अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। इसके अलावा, इसके बाद मैं आपको मशरूम उत्पादन के बारे में सलाह देना चाहूँगी। मशरूम उत्पादन के लिए भी एक मशरूम उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है, उसमें सबसे मुख्य बात है कि आपको उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ी सी तकनीकी ज्ञान से, क्योंकि केवीके में जो आपके नज़दीकी जो केवीके हैं वहाँ पे समय समय पर इस सब चीज़ों के लिए प्रशिक्षण होते रहते हैं। मशरूम उत्पादन की तकनीक आप सीखिए, कैसे मशरूम उत्पादन होगा, उन्हें तोड़ के स्वस्थ तरीके से आप जो है वो पैकिंग करके उनका भी आप मार्केट में आप बेच सकती हैं। उससे भी आपका, क्योंकि मशरूम में बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की मात्रा होती है। इसके बाद में जो अगला पहलू है, जैसे जो किसान बहनें जिनके घर पे मवेशी बहुत ज़्यादा हैं, मवेशी अगर आपके यहाँ ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे दूध उत्पादन भी अच्छा है आपके यहाँ पे, तो दूध से आप या तो सीधा आप दूध जो है वो आप बेच सकती हैं। उसके अलावा दूध जो दूध से आप अन्य सामग्री, जैसे आपका पनीर है, घी है, मक्खन है, ये सारी चीज़ें भी आप निकाल के और आप उसका भी जो है वो मार्केटिंग उसका कर सकते हैं, आप दे सकते हैं उसको भी। दुग्ध उत्पादन के बाद में अगला जो पहलू है वो है आपका फूलों के आप उत्पादन कर सकते हैं। जैसे हम भारतवर्ष में रहते हैं, हर दूसरे चौथे दिन हमारे यहाँ कोई ना कोई तीज त्यौहार होता ही है, घर की सजावट के लिए
भगवान की पूजा के लिए हमें फूलों की आवश्यकता होती है। तो फूल जैसे कि आपका गेंदा है, गेंदा एक ऐसा फूल है जो सबको बड़ा ही लोकप्रिय है, वो पूजा पाठ में या घर की सजावट में, उसके आकर्षक जो कलर है उसका पीला एकदम कलर है, बहुत ही सुंदर सा सजावट में बहुत खूबसूरत दिखता है। गेंदे की फसल आप ले सकती हैं, जो कि गेंदे का मैं इसलिए आपको सुझाव दे रही हूँ, गुलाब की भी ले सकती हैं, चमेली ले सकती हैं, लेकिन गेंदा इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि इसके लिए किसी निश्चित तरीके की मिट्टी या जलवायु की आवश्यकता नहीं है, ये आसानी से कहीं भी आप इसका उत्पादन कर सकती हैं गेंदे की फसल का। आप फूलों की खेती के बाद में अब बारी आती है आपका, इसके अलावा आप ले सकती हैं जैसे कि आपका मुर्गी पालन है। बहनें सिर्फ इस बात पे ध्यान दें कि आपके घर के आंगन की जो घर का आपका आंगन है उसमें आप किस तरीके से थोड़ा सा व्यवस्थित करके आप जो है मुर्गी पालन कर सकती है। उसमें छोटी छोटी कुछ बारियों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा, वो है कि आप मुर्गी को खाने के लिए आप क्या देंगी, तो उसमें ज़्यादा आपको वो नहीं है, आप घर की ज्वार, अनाज के मोटे दाने, उसके अलावा घर के जो सब्जी के डंठल है, सब्जी सड़ी हुई है, गल गई है, अगर आप उसको पकाने योग्य नहीं है तो वो भी आप उनको दे सकते हैं। उनकी थोड़ी सी रखरखाव की व्यवस्था, जैसे ठंड है तो उसमें आप थोड़ा उचित मात्रा में उचित जगह पे उनका रखरखाव की व्यवस्था करें। और उसमें सबसे मुख्य जो एक ध्यान देने योग्य बात है, उनकी टीकाकरण की व्यवस्था, समय समय पर अगर मुर्गी का आप टीकाकरण करवाते रहें तो आप मांस की मुर्गी, मांस वाली मुर्गी, अंडे वाली मुर्गी और चूजे वाली मुर्गी, इन सबका अलग अलग तरीके से आप रखरखाव करके उनको आप जो है बेच सकते हैं और आप अच्छी खासी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका मछली पालन का भी बहुत चलन है। मछली पालन मत्स्य विभाग के द्वारा आपको बीज आपको है निःशुल्क दिया जाता है कि आप बीज जो है अपने यहाँ पे जो जैसे आपका एकीकृत जल ग्रहण परियोजना के अंतर्गत अगर तालाब बने हुए हैं तो तालाब के रखरखाव के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, तालाब की उचित सफाई और उसमें आप खरपतवार कैसे हटाएं और आप मछली के बीज उसमें कैसे डालें, उसके पोषक तत्व आप कैसे डालें, जो मछली का खाना है वो कैसे डालें, इन सब चीज़ों को जानकर आप मछली के जो है उससे भी आप एक आय अर्जित कर सकती हैं। तो इस प्रकार बहनों मेरी यही गुजारिश है कि आप जो है सिर्फ जो है फसल उत्पादन पर ध्यान ना देकर, क्योंकि उसमें हर महिला निपुण है, फसल उत्पादन में निंदाई गुड़ाई में जो है ये ऐसे कार्य शस्त्र क्रियाएँ हैं जो महिलाओं के बिना अधूरे हैं, या तो इन सब चीज़ों के साथ तो आप निपुण हैं ही, लेकिन आप ये कोशिश करें कि सीमित साधनों में हम किस तरीके से हमारी आय को जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको कुछ आपके तरीके बताए हैं कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए आप अपना फसल उत्पादन के साथ साथ इन सब चीज़ों पे के द्वारा भी आप आय अपनी बढ़ा सकती हैं और एक सुखी जीवन यापन अपने परिवार के साथ कर सकती हैं। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जाबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना, हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने, हर शुक्रवार रात 9:30 डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का। गौरव प्रगति के विश्वास का। चेहरा भारतीय किसान का। परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, परंतु जाने से पहले हम आपको अपना पता ज़रूर बताना चाहेंगे। जो भी किसान भाई हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, हमसे पत्राचार करना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल।
पिन कोड 462013। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे खेती से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।